एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मुहिम के चलते आज करनाल के लघु सचिवालय के सामने इकट्ठे होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिला अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को यह ज्ञापन भेजा गया। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह प्रदेश में व देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसी कड़ी में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया लगातार मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रयासरत है कि प्रदेश से भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न हुड्डा कार्यालयों में सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी भी की गई, जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और प्रयास किए जाए, ताकि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके। इस अवसर पर उनके साथ एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। जब निशांत जी एडीसी थे यहाँ पर, हमने उनको कर्तव्य निष्ठितकारी अवार्ड से सम्मानित किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो उनकी जो है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको और मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी अब उस जल्दी, आज हम किसी और रूप से आपके बीच में आए हैं, तो हम 2-4-5-7 दिन में ना आपको भी जाएंगे, जल्दी आपकी तरक्की भी उसके बाद। एक्चुअली एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हमारा संस्थान है, हम अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन के लिए वर्किंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा। हमारी टीम है और हमारा मेन मकसद जागरूकता लाना है। किसी कहीं भी, मतलब कि बच्चों को, चाहे वो यूथ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कहीं भी हो, तो आज हमारा जो मकसद है, वैसे तो डी साहब के नाम था हमारा ये, क्योंकि हमने सीएम साहब के नाम ज्ञापन है। अच्छा। और डी साहब के माध्यम से हमने ये करना था, लेकिन वो मीटिंग में है, ठीक है, कोई नहीं, मैं करवा। हाँ, तो हमारा ये हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की मांग को लेकर हमारा जो ये ज्ञापन है। अच्छा। और हमारी ये भी है कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, आप जैसे यंग अफसर जो है वो बड़ा अच्छा है हरियाणा प्रदेश को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत ज्यादा, और रूरल सर, आप क्योंकि आप रूरल से वो है, पंचायतों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। हमारे पास भी कई ऐसी चीजें आती है, हम आपके माध्यम से आगे पहुंचाते हैं, तो हम आज आपके माध्यम से सीएम साहब को ये ज्ञापन देना चाहते हैं, तो उसके लिए कि आप ये हमारा ज्ञापन आगे पहुंचाए। सर, सभी अपनी टीम आगे सर। जी, आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से, जो कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रष्टाचार उन्मूलन की जागरूकता के लिए कार्य कर रहा है, और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम, लोग जागरूक हो रहे हैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट। और उसी कड़ी में आज हम हमारे जो करनाल के जिला उपायुक्त हैं, उनके माध्यम से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को एक ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। इसमें हमने मांग किया कि हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की मांग को लेकर आज हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करता है। और उसी कड़ी में ही हम आज यहां पर कि सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है वो बड़ा हुआ है, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं, रिश्वत मांगी जाती है, और उसके बाद तहसील की मैं विशेष रूप से बात करूंगा, तहसील का जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन हमारी जो हरियाणा सरकार है वो बहुत प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जाए। और उसी कड़ी में कल भी जो सीएम साहब की फ्लाइंग है, उन्होंने हुड्डा पे छापा मारा, और आप मीडिया के माध्यम से उसको लोगों तक, तो ये जागरूकता है, और इसी जागरूकता को और आगे बढ़े, इसलिए हम आज यहाँ पर सीएम साहब के नाम जो है वो ज्ञापन देने के लिए पूरी हमारी एंटी करप्शन की टीम यहाँ पर पहुंची है। नरेंद्र अरोड़ा जी, यहाँ भ्रष्टाचार की यदि बात करें तो करनाल में जो एंटी करप्शन फाउंडेशन आपकी है, भ्रष्टाचार पे किस तरीके से और क्या काम करें? देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो जागरूकता फैलाना है, कि लोग जागरूक हों, क्योंकि कोई भी बड़ा काम होता है वो जागरूकता से ही खत्म हो पाता है। अगर कोई भी, अगर भ्रष्टाचार है आज, अगर हम उसकी जागरूकता लोगों के में लेकर जाएंगे, हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हम बड़े से बड़े संस्थानों में जाते हैं, लोगों को शपथ दिलवाते हैं, हम स्कूलों में बच्चों को शपथ दिलवाते हैं कि आप अपने माँ बाप को जाकर शपथ दिलवाएं, तो इस तरह से कई हमारे कार्यक्रम रहते हैं, हम हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं कि पूरी तरह से जो जागरूकता है वो पूरी जो है, और भ्रष्टाचार का जो खात्मा हो, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो देश को खोखला कर रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।